सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपको 3 आदतों को अपनाने की जरूरत है। बार बार हाथ धोना, लोगों के निकट संपर्क से बचना और खांसते छींकते समय टिश्यू या फिर रुमाल का इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। इन दिनों पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में घर में बैठे बैठे आपको नई नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस से बचाव के लिए इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हेल्दी चीजें खाने पीने की जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक घरेलू चीजों में इम्यूनिटी बढ़ाने की जबरदस्त शक्ति होती है। अगर आप इन घरेलू चीजों का इस्तेमाल अपनी चाय को बनाने में करोगे तो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, साथ में आपके शरीर में और भी गजब के फायदे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इस गजब के फायदे करने वाली चाय के बारे में बताने जा रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आइए जानते हैं हमें इस चाय को बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 से 4 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च आधी छोटी चम्मच, अजवाइन, 2 लौंग, 2 इलायची आधी छोटी चम्मच, सौंफ, थोड़ा सा अदरक, आधा नींबू। ध्यान रहे कि ये सामग्री सिर्फ 2 कप चाय के लिए ही उचित है। अगर आप ज्यादा चाय बनाना चाहते हैं तो आप इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इस चाय को बनाते समय इसमें दूध का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 गिलास पानी को बर्तन में डालकर गैस पर रख दें। अब इसमें चीनी और चाय पत्ती स्वादानुसार डाल लें। इसके बाद इसमें तुलसी के पत्ते, अदरक, अजवाइन और सौंफ को डाल दें। काली मिर्च, इलायची और लौंग को पीस कर डालें। अब इसे अच्छे से उबाल लें। उबलने के बाद इसे कप में डालकर इसमें नींबू निचोड़ लें और इस चाय को धीरे धीरे पीते हुए इसके स्वाद का आनंद लें। आपको पहले दिन से ही इस चाय का असर दिखाई देने लगेगा। ये चाय आपकी पेट और कमर वाले हिस्से की एक्स्ट्रा चर्बी को भी तेजी से कम करेगी। इसके लिए आपको हर रोज 15 मिनटों तक सुबह और शाम एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी, और वो भी अपने घर पर रहकर। आप अपने घर की सीढ़ियों में दौड़ लगाएं। वजन कम करने में इस एक्सरसाइज को पहला स्थान प्राप्त है। साथ में इस चाय के सेवन से सर्दी और खांसी आपके आसपास भी नहीं दिखेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चाय का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। दिन भर में 2 से 3 बार इस चाय का सेवन जरूर करें। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।